नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए फिक्स चार्जेस को लेकर दिल्ली की सरकार पर हल्ला बोला है। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी के महीने में DERC ने दिल्ली के फिक्स चार्जेस में इजाफा किया था, जिसको लेकर भाजपा ने दिल्ली की सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली की सत्ता पर आसीन केजरीवाल सरकार पर भाजपा लगातार आक्रामक अंदाज दिखाती रही है। बीते बुधवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए फिक्स चार्जेस को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर हल्ला बोला। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली में जिस तरह से फिक्स चार्जेस में इजाफा किया गया है, सीधे सीधे दिल्ली की जनता की जेब में डाका है। और जिस तरह से आज पूरी कैलकुलेशन के साथ हम DERC की जन सुनवाई में पहुंचे, कुछ ऐसे चौंका देने वाले तथ्य DERC के समक्ष हम रखने फेर वाले थे, क्योंकि केजरीवाल सरकार का एक बड़ा भ्रष्टाचार फिक्स चार्जेस के रूप में, हम उसका भंडाफोड़ करने के लिए मान रहे हैं। 20 से 125, 35 से 140, 45 से 175, तो ये 5 से 6 गुना जो वृद्धि की है, ये जनता की जेब पर डाका है। दरअसल भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली दिए जाने के दावे को पोल खोलते हुए कहा कि बिजली में जिस तरह से फिक्स चार्जेस में इजाफा किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों पर गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया। ये फिक्स चार्जेस अगस्त 2017 में बढ़े थे, और आपको याद होगा उस दिन भी सदन में हमने इसका विरोध किया था, जब शाम को 4 बजे ये उन्होंने सूचना दी थी और टैरिफ हाइक हुआ था 2017 में, तो हमें मार्शलों से बाहर निकलवाया गया और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया था, और कहा था सत्येंद्र जैन ने बिजली सस्ती हुई है। हमारे पास यहाँ स्क्रीन नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने तो ट्वीट किया है, इसमें मैं बात रखना चाह रहा हूं और मेरी बात को उन्होंने होने नहीं दिया, और उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। जब जनरल सिंह ने मेरे हाथ से, जब वो भी मैं अपनी पिटीशन को दिखा रहा था और बात कर रहा था पिटीशन में, मेरे हाथ से बात करते करते पिटीशन ली और फाड़ दी। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को बिजली में बढ़े हुए फिक्स चार्जेस को लेकर दिल्ली DERC की ओर से जन सुनवाई में बीजेपी विधायक पहुंचे थे, और इस जन सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, इस दौरान जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली, जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी राधे सिंह के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।